ये है हमारा पिज्जा रेडी। आज जो हम बनाने वाले हैं वो एक होममेड पिज्जा होगा। तो ये लिया हमने यहाँ पे चिकन का पीस, इसको हम चॉप करेंगे। तो ये हो रहा है हमारा चिकन फ्राई। हमारा पिज्जा रेडी हुआ होगा, तो चलते हैं फटाफट से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। और जी मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हूँ। आज ब्लॉग नंबर 43 होने वाला है और आज जो मौसम है वो एकदम जी ज़बरदस्त मस्त मौसम। सुबह सवेरे थोड़ी बहुत बारिश शुरू हो गई थी लेकिन अभी एकदम फर्स्ट क्लास मौसम है। तो आज का व्लॉग हम यहीं से शुरू करते हैं। अभी मैं जी हूँ बुआ के यहाँ ही, तो करते हैं ब्रेकफास्ट जाके, फिर देखते दिन का क्या प्रोसेस रहेगा। आपको वीडियो क्या करना है जी, वीडियो एंड तक देखना है और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूरी करना है, मस्ट करना है। और कल की वीडियो भी देखो, उस पर व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आए तो उसको भी पहुँचा दो, कम से कम 80-100 तो पहुँचा दो जैसे पहुँचा देते। बाकी जी सब्सक्राइब मस्ट, शेयर मस्ट। तो देखते हैं दिन का क्या प्रोसेस रहेगा आज। तो चलो तो चलिए करते हैं हम अपना ब्रेकफास्ट। बिस्मिल्लाह। much later। तो जी सुबह से कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था, यहाँ पे बैठ के था। घर में बहुत सारी चीज़ें होती है करने को लेकिन यहाँ मैं बैठ के था। लेकिन अब जी दिमाग में आया कि आज थोड़ी बहुत फूड ब्लॉगिंग हो जाए। तो जी आज जो हम बनाने वाले हैं वो एक होममेड पिज़्ज़ा होगा, तो ट्राई करते हैं। चलो जी किचन में। सो गाइज अभी मैं आ चुका हूँ किचन में, अभी हम शुरू करेंगे अपना पिज़्ज़ा। मेरे साथ है सो कॉल्ड शेफ जिसका नाम है हफ्सा। तो अभी हम शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा डो बनाना। तो उसके लिए हम क्या लेंगे, हम लेंगे मैदा, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और हम ऐड करेंगे इसमें कर्ड 2-3 टेबल स्पून और हम ग्रेजुअली इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। तो ये ऑलमोस्ट हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है और हम इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ऊपर से। तो ये हमारा डो जो है यहाँ पे रेडी हो चुका है, हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक लेंगे और थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया है चिकन का एक पीस, तो हम सबसे पहले इसको फाइनली चॉप करेंगे। तो जी करो जल्दी जल्दी, अब रहा नहीं जाता। अब ये चिकन हम इस बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसमें रिक्वायर्ड स्पाइस ऐड करेंगे। सबसे पहले जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, उसके बाद हम डालेंगे फेनल पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी ज़्यादा, 1/2 टीस्पून ऑफ गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ जीरा पाउडर और हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा फूड कलर। फिर डालेंगे हम इसमें 2-3 टेबल स्पून ऑफ कर्ड ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई। और लास्ट में थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें विनेगर ताकि टेस्ट जो है वो एनहांस हो जाए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये मिक्स हो गया है, अब इसको थोड़ी देर के लिए ढक के हम फ्रिज में रखेंगे मैरिनेशन के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटे के लिए। 1 hour later यहाँ पे हम लेंगे एक ऑनियन और एक टोमेटो। तो कर वो खमीन खाश, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। हमारा डो जो है वो रेडी हो चुका है, अब हम पिज़्ज़ा की बेस बनाएंगे। हम इसको बेलेंगे, इसको शेप देंगे पिज़्ज़ा की, जिसको आप जिसे आपको भी लगेगा कुछ बन रहा है। तो ये पिज़्ज़ा की बेस को हमें इस पर शिफ्ट करना है, तो हम इसे थोड़ा सा ऑयल लेके ग्रीस करेंगे ताकि ये फिर स्टिक ना हो जाए इस पर। तो जी गाइज ये हो गई है बेस रेडी पिज़्ज़ा की। तो अब हम लेंगे फॉर्क और इसमें होल्स करेंगे, एकदम एयर कंडीशनर्ड बनाएंगे इसको। तो करीब 1 घंटा हो गया, चिकन मैरिनेट हो चुका है, इसको हम फ्राई करेंगे एकदम मस्त गरम तेल में। तो जी जो इसमें चिकन के पीस डलेंगे वो हम यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं, बाकी आप देख ही रहे हो हमने कैसे बनाया। अभी बाकी बहुत सारा काम बाकी है, चलो इसको फ्राई करते हैं और आप देखते जाओ क्या होता है इसके बाद। तो चिकन जो है वो फ्राई हो रहा है, तो मीन वाइल हम इसको फिर से थोड़ा ऑयल से ग्रीस करेंगे बेस को, क्योंकि अब हमें इस पे जो है वो टॉपिंग्स लगानी है। तो जी टाइम आ गया है इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड करने का। चलो जी
हम इसमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी मोजरेला चीज ऐड करेंगे, एकदम चीजी बनाएंगे। उसके बाद हम इस पर डालेंगे टॉपिंग्स, टोमेटो और ऑनियन, और फिर उसके बाद चिकन भी ऐड करेंगे। तो जी सारी चीज़ें ऐड हो गई इसमें, ऑनियन, टोमेटो, चिकन सब कुछ ऐड हो गया है, मतलब कि बेस पूरी रेडी हो गई है। और हम इसमें फिर से अब डालेंगे मोज़रेला चीज़, उसको चीज़ी बनाने के लिए। अब ऐड लास्ट जाएंगे इसमें सीजनिंग्स, कुछ ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे इस पर, और हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो जी गाइस, जो ये है ना, ये इतना जरूरी है कि इसके बिना भी पिज्जा बन सकता है, ये इतना जरूरी नहीं है मेरी तरह। जैसे मेरा यहाँ पे रोल है वैसा ये भी है। सो गाइस, ये हो गया हमारा पूरा पिज्जा रेडी, मतलब पूरा नहीं, अब इसको बेक करना है। अब इसको हम बेक करने के लिए रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा बना। तो जी गाइस, जैसे कि आपको पता है पिज़्ज़ा तैयार हो रहा है, उसमें करीब 20-30 मिनट लगेंगे। तो अब सवाल ये था कि ये 20-30 मिनट कहाँ से काटूँ मैं, तो वही टाइम पास करने के लिए मैं आया हूँ बाहर। देखो यहीं से 10-20 मिनट काटते हैं, फिर जब तक वो तैयार हो जाएगा फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। 20 मिनट्स लेटर। तो जी गाइस, करीब 25 मिनट्स हो गए, हमारा पिज़्ज़ा रेडी हुआ होगा, तो चलते हैं फटाफट से। चलो 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 चलो, जल्दी 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 आइए देखते। तो जी ये है हमारा पिज्जा रेडी। Much later. सो गाइज वेलकम बैक। अभी शाम के हो रहे 7, बाकी जो पिज्जा था उसको हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया था, बहुत ज्यादा जबरदस्त मस्त टेस्टी बन गया था वो। लेकिन एज यूजुअल उस टाइम मेरा फोन डाउन हो गया था और मैं वो क्लिप उठा नहीं सका। और कहते हैं ना कि खाने के टाइम बात भी नहीं करते नहीं, अगर मेरा फ़ोन चार्ज होता तो मैं आपको दिखाता कितना यमी था वो। बाकी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया आज का व्लॉग, मैंने पहली बार फूड व्लॉगिंग की मैंने, आपने भी उम्मीद है कि आपने भी एंजॉय किया होगा, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे फूड व्लॉगिंग। फिलहाल आज के लिए इतना ही, उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगेगा व्लॉग, आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।